हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपका बेहतर मन हाजिर है वापस न्यू वीडियो के साथ में, और स्वागत करता हूँ आपकी अपनी यूट्यूब फैमिली एस के ऑनटेल ब्लॉग के अंदर। सो गाइस, पहुंच चुके हैं आज लोकेशन पे। लोकेशन ऐसी है, यहाँ के लोग, यहाँ के गांव के लोग, यहाँ की इस रोड के टच के अंदर जो लोकेशन है, काफी इसकी बातें बताते हैं। काफी लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एक विधवा औरत सफेद साड़ी के अंदर घूमती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा काफी लोग बोलते हैं कि एक चुड़ैल है जो यहाँ पे घूमती हुई दिखती है। मेन रोड के टच में गाइस ये जगह है, और इस जगह को देख के ऐसा लगता नहीं है। मैं भी जब यहाँ आया था तो मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे ये लोकेशन ऐसी हो सकती है। जैसे ही गाइस मैं यहाँ पे नीचे आके जैसे खड़ा हुआ तो गाइस अजीब सा फील होने लगा, मतलब सच में। अब गाइस देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को कि यहाँ पे रियल में ऐसी चीजें हैं या नहीं है, या केवल लोगों की बातें हैं। तो गाइस आगे की तरफ चलते हैं, आ जाओ भाई आगे की तरफ। भाई 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 जूम करना, जूम करना इधर। वो क्या है गाइस, इधर आप गाइस, इधर आप इधर चलो, इसकी इधर चलो, इसकी यही थी, वो चीज यही थी। गाइस आपने क्लियर देखा होगा, वो क्लियर कोई चीज, व्हाइट सी चीज यहाँ पे इस जगह पे खड़ी थी भाई, क्लियर कैप्चर हुई थी कैमरे में यार। इधर देख ले एक बार, होने यहाँ पे। गाइस क्लियर इस जगह पे वो चीज खड़ी थी व्हाइट शेडोज के अंदर। अब ये मुझे पता नहीं गाइस यहाँ पे वो क्या है, व्हाइट व्हाइट सा कुछ नहीं है, तो कट्टा है। नहीं इधर टाइम भी नहीं हुआ भाई अपने को। तो गाइस इस लोकेशन को देख के लगेगा नहीं आपको, लेकिन रियल में संभल के रहना, काटे काटे चुप जाएंगे भाई आराम से। क्या हुआ, एक मिनट एक मिनट, इधर इधर से भाई, इधर इधर से, इधर से आवाज इधर से। कौन है वापस 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 आवाज आई, वापस सामने आ सकता है भाई। वापस वापस नोटिस करना उसको। इधर से भाई कौन है, ये क्या है, किसी जानवर वगैरह की हड्डी है। मूवमेंट हो रहा है यार। इसके अलावा जो आवाजें आ रही है ना, उस आवाजों को आप नोटिस करो भाई। फर्स्ट टाइम यहाँ से वो चीज गायब हुई थी इस जगह से, वहां से क्लियर कैप्चर हुई है, उसके बाद में वो चीज गायब हो गई। बाकी आवाजें आ रही है चारों तरफ से, कंफर्म नहीं कर पा रहे कि किस तरीके से, किस जगह से वो आवाजें आ रही है। चार तरफ ध्यान रखना भाई, क्योंकि आवाजें जो आ रही है ना, एक तरफ से आवाज नहीं आ रही है भाई। भाई उधर कुछ है भाई, उधर भाई, इधर व्हाइट कुछ, व्हाइट कपड़ों में कुछ खड़ा था भाई। ऐसा लग रहा है जैसे वो चीज अपनी तरफ खींच के हमें इस जंगल के अंदर ले जाना चाहती है। छलावा भी हो सकता है, एक छलावा भी हो सकता है जो कि ऐसी जगह ले जाता है गाइस कि उसके पीछे जाने का अंजाम सिर्फ मौत होती है।
गाइस इतने होने के बाद में इतना तो कंफर्म है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा रिस्की है। हाँ भाई चारों तरफ कैमरा घुमाते रहना ताकि भाइयों को कुछ लगे ना इसे। भाई भाई आगे निकलेंगे यार, ये भी ये चाहता हूँ भाई ज्यादा आगे चले ना अपन, गाइस कोई और चीज का खतरा हो या ना हो। ये जो घास साफ कहा यहाँ पे जानवरों का खतरा बहुत ज्यादा है, इस पे सांप वगैरह का, इस जगह पे भाई सांप वगैरह बहुत ज्यादा रहते हैं। भाई ये आत्मा तो अपने साथ में खिलावा कर रही है भाई। ये हल्की सी आवाज किसी घुराने से और नहीं है भाई, ये घुरा हुआ अब बस। कई लोग उसको चुड़ैल भी कहते हैं, कोई लोग कहते हैं कि भाई सफेद कपड़ों के अंदर दिखती है, विधवा औरत भी है। और काफी इंसिडेंट भी होते हैं इस रोड पे, मेन मतलब ये रोड के टच में है, सड़क जो मेन रोड है यहाँ की उसके टच में है जगह है। बहुत सारे इंसिडेंट भी होते हैं यहाँ पे, कहते हैं कि रात को अंदर होने के बाद में यहाँ से हर गाँव वाला जो निकलता है मतलब इतनी घबराहट रहती है उसके भाई, कि काफी इंसिडेंट हो चुके हैं। तो गाइस अब आपको पता है कहीं भी ऐसा होगा तो माइंड में मतलब ऐसी थिंकिंग आ ही जाती है, कुछ ना भी होना तो भी डरना पड़ता है। कुछ नहीं ऐसा लगा मेरे को, कुछ है जैसे कुछ चमक रहा हो। हाँ कुछ नहीं, मैं यार सोच रहा हूँ ज्यादा आगे जाना ठीक नहीं रहेगा, बाकी भी सोच रहा हूँ भाई क्योंकि आवाजें तो इतनी तरफ से आ रही है कि अपन चारों तरफ जा नहीं सकते भाई। क्या यहाँ पे जो भी है हमारे सामने आ सकता है? एक घूमने की आवाज नहीं, देखो ये क्या है भाई घूम रहे इसकी आवाज में। थोड़ा कैमरे को आगे रखो भाई, लोग कहते हैं आप आगे रहते हो ना तो फोकस कम होता है, थोड़ा सा आगे रखो। ठीक है कुछ दिखा भाई? नहीं यार आगे कुछ भी नहीं है, वापस इस तरफ आ जाओ। पीछे से अब पीछे से आवाज आई भाई, ये आवाज कंफ्यूज कर रही है, थोड़ी बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है भाई, थोड़ा से कम नहीं है आवाज। देखो आप जो कोई भी हो हमें डराने की कोशिश मत करो, क्या आप हमारे सामने आ सकते हो? कोई है यहाँ पे? भाई 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 उधर से आई या इधर से आई ऐसा लगा मुझे, इधर से आई। चलो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना मतलब डर बढ़ता जा रहा है, घबराहट बढ़ती जा रही है क्योंकि पता नहीं गाइस आगे क्या है क्या नहीं है। ये क्या चीज है भाई? भाई 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 ज़ूम भाई ज़ूम करो एक मिनट ज़ूम करो भाई, क्लियर दिख रहा होगा आपको भाई? भाई दिखा यार वो चीज पेड़ के पीछे जाके गायब हो गई अचानक से। हाँ भाई गायब हो गई, आ जाओ आगे 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 वो शिट। अब गाइस इस चीज को क्या कहोगे आप? भाई इस जगह खड़ी थी वो चीज, वहां से इस तरफ आके अचानक से पेड़ के पीछे गायब हो गई। यार ये जो ना घास है ना ये भी इतनी बड़ी है कि साला तो समझ में लग नहीं आ रहा कि आए किधर से थे जाना किधर। भाई रास्ते से अलग कंफ्यूज हो गए अपन, यहाँ तो सिर्फ जानवर की हड्डी वगैरह पड़ी है। भाई मेरे हिसाब से यहाँ से निकलना सही रहेगा क्योंकि भाई यहाँ पे जानवर वगैरह भी हो सकते हैं, सांप वगैरह भी हो सकता है गाइस।
जो कि काट ले। तो यहाँ दूर दूर तक कोई अस्पताल भी नहीं है भाई, मेन गांव के अंदर है ये लोकेशन। फिलहाल तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा भाई अपने को, रास्ते से कंफ्यूज हो गया किस सबसे आते आराम से काटो का ध्यान रखना। क्लियर दो बार वो कैमरे में कैच हुई वो चीज, मुझे जहां तक पता है फर्स्ट और सेकंड बार दोनों बार वो कैमरे में कैप्चर हुई थी। और भाई जितना कैप्चर हो चुका है उतना कैप्चर किया हम लोगों ने भाई, रास्ता भी देखते हैं। रास्ता किधर है इसका, गाइस निकलते हैं यहाँ से। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। नीचे लाल बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब का, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके भाई फॉलो कर दो इंस्टाग्राम पे जाके। ठीक है गाइस, बंद कर दो, रास्ता ढूंढना पड़ेगा अपने को अभी। तो किस तरफ से आते हैं